अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां भारत ने रूस से दोस्ती निभाई है और एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में रूस शामिल नहीं होगा। भारत ने रूस को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट से बचाया है। वहीं चीन ने भी इस मामले में रूस का साथ दिया है। भारत और चीन ने मिलकर जेलेंस्की का प्लान जो है वो फेल किया है, तो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में रूस को शामिल करने की वकालत जो है वो की गई, आपको बता दूं। और जिस तरीके से यूक्रेन ने इस पहल को शुरू किया, लेकिन उसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत और चीन ने इस मामले में रूस का साथ दिया। रूस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की काली सूची में शामिल कराने की यूक्रेन की कोशिश विफल हो गई। भारत और चीन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर उसे काली सूची में शामिल होने से बचा लिया है। यूक्रेन की सरकार ने तर्क दिया था कि रूस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा करता है। इस सप्ताह पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध निगरानी संस्था एफएटीएफ में हुई चर्चाओं की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव को खारिज करने वाले समूह में भारत और चीन के साथ ब्राजील भी शामिल था। एफएटीएफ के सदस्य देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। एफएटीएफ ने यह कहते हुए इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उसे शुक्रवार को अपनी पूर्ण चर्चा के अंत के बाद अपने ग्रे और ब्लैक लिस्टेड राष्ट्रों के बारे में अपडेट करना है। यूक्रेनी सरकार ने तर्क दिया कि रूस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा है। उसने ये भी कहा कि रूस के एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट हुए देश ईरान और उत्तरी कोरिया के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। यूक्रेन के तर्कों में यह भी शामिल था कि रूस पिछले 3 साल से अपनी जमीन पर लगातार युद्ध अपराध में शामिल रहा है। उसके इस प्रस्ताव पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट का भी जिक्र किया गया था। और लगभग ही यूक्रेन की कोशिश थी कि किसी तरीके से रूस को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल करा दिया जाए, लेकिन रूस जिस तरीके से अभी हाल ही में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान अमेरिका और पश्चिम के देशों से इतर एक ऐसा संगठन खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, जहां वो तमाम राष्ट्र जो कि अमेरिका के खिलाफ हैं वो रूस के साथ नजर आ रहे हैं, और भारत इनमें एक ऐसा राष्ट्र है जो कि दोनों धड़ों का हिस्सा है। और भारत और रूस के बीच जो मजबूत दोस्ती है उसका उदाहरण भारत ने देते हुए रूस को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचा लिया है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।